अस्सलाम वालेकुम गाइस, चौधरी ऑटो स्टोर से फहद अफसम खातिम हुए हैं। हमेशा की तरह नए प्रोडक्ट लेकर मैं आज आपके साथ हाजिर हो गया हूं। जो प्रोडक्ट आज आपको मैं दिखा लगा हूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाएं और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें ताकि लोगों तक ये वीडियो जा सके। ले जी, जो प्रोडक्ट आज आपको दिखा लगा हूं, ये एक पूरी कंप्लीट वीडियो है जिसके अंदर आपको मैं प्रॉपर तरीके से 5x7 जीप लाइट और जो गाड़ी के अंदर लाइट लगती है, जो कि पुराने मॉडलों के अंदर जो है वो लाइट आती थी 5x7 जिसके अंदर बड़ी बीम जिसको चौरस कहा जाता है, वो बीम के मुतालिक मैं आपको अपडेट करने लगा हूँ कि उसके अंदर क्या कौन से मॉडल मेरे पास अवेलेबल हैं, उसके फंक्शन क्या हैं, और इसके अलावा ये लगाई कब जाए और किस गाड़ी में लगाई जाए ताकि बंदे और कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो किस लेवल तक आएगा। लें जी, 5x7 जो है वो इस वक्त मेरे पास मॉडल अवेलेबल हैं जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिज़ाइन इस वक्त मेरे पास हाजिर स्टॉक के अंदर अवेलेबल हैं और ये सारे मॉडल्स इस वक्त मेरी वेबसाइट के ऊपर लाइव भी हैं। प्राइसेस जो हैं वो आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। बहुत से लोगों का सवाल, पहले तो मैं आपको अपडेट कर दूं कि प्राइस कमेंट में होना है, सारे लोगों को अपडेट किया जाता है, बार बार मैं वीडियोज़ में अपडेट करता हूँ कि भजन अगर आपको प्राइस चाहिए तो मेरी वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाएँ, स्टॉक अवेलेबिलिटी और प्राइस दोनों चीज़ें आपको अपडेट हो जाएंगी। ये जो 5x7 है ये एक स्टैंडर्ड साइज है जो कि आपके जिस गाड़ी के अंदर चौरस बीम आती है या जिस जीप में चौरस बीम आती है उसके अंदर प्लग एंड प्ले है। बहुत से लोगों का सवाल, क्या ये हमारी बीजे सीरीज़ में लग जाएगी? बहुत से लोगों का सवाल, क्या ये हमारी पुरानी करोला वगैरह के अंदर लग जाएगी? क्या बहुत से लोगों का सवाल, क्या ये बुलान में लग जाएगी? बहुत से लोगों का सवाल, क्या ये FX वगैरह या जो विंटेज कार्स हैं उसके अंदर लग जाएगी? भाई जान, बिल्कुल लग जाएगी। अगर आप इसको ऑल्टरेशन करके जो प्रोजेक्ट कार्स भी बना रहे होते हैं अगर उसमें भी लगाना चाह रहे हैं तो लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने क्या उसको लुक देनी है। बहुत से लोग जो हैं इसका सवाल करते हैं कि इसकी लाइट कितनी है। लाइट जो है इसकी नॉर्मल होती है, जो आपकी जनरल बीम है शायद उससे थोड़ी सी कम ही हो, ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये लाइट जो है डेकोरेशन के तौर पर लगाई जाती है, खूबसूरती के लिए लगाई जाती है, अग्रेसिव लुक देने के लिए लगाई जाती है, ना कि लाइट के लिए। अगर ये कोई बंदा या अगर हमारे कोई कस्टमर ये सोच कर ये लाइट लेना चाह रहे हैं कि जी ये लगाने के बाद हमारे सारे लोग जितने आगे से आ रहे हैं अंधे हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपने आगे जो है वो सूरज की रोशनी लगा ली है, तो ऐसा कुछ नहीं होना। ये उधर ही नॉर्मल रोशनी देगी जो कि आपकी एक बैंड नुमा रोशनी होगी और उसकी लाइट के थ्रू बहुत मज़े की इत मुनासिब होगी, बहुत ज़्यादा मज़े की नहीं होगी। ले जी, एक एक करके मैं आपको इसके मॉडल के मुतालिक अपडेट करता हूँ। अगर आपने देखा हो तो सारे मॉडल्स के अंदर एक कॉमन चीज़ यह है कि इसकी जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है। बहुत से लोग जो हैं अपनी गाड़ी के अंदर लाइट लगाने के लिए, जो इसकी लुक है ना अग्रेसिव देने के लिए, एक ब्लैक बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट करते हैं जो कि आपके सामने अवेलेबल है। इसके अंदर हमारे पास बहुत से मॉडल अवेलेबल हैं जो कि पहले 2 से 3 थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई 7 मॉडल हमारे पास स्टॉक के अंदर अवेलेबल है। मॉडल की अवेलेबिलिटी कम ज़्यादा होती रहती है, कभी स्टॉक ख़त्म हो जाता है, कभी आ जाता है। इस वक्त तकरीबन सारे मॉडल हमारे पास स्टॉक के अंदर अवेलेबल हैं, होलसेल क्वांटिटी और रिटेल दोनों क्वांटिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, तो अगर आपको कोई क्वांटिटी भी चाहिए होगी तो मिल जाएगी। ले जी, एक एक करके मैं आपको लाइट चेक कराता हूँ ताकि आपको अपडेट हो जाए कि लाइट कैसी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे लाइट करके लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। ये जो लाइट है आपको डिज़ाइन है आपका साइड कट वाला जो कि इंडिकेटर के ऊपर इस तरीके से ग्लो करेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर आप इंडिकेटर ऑन करेंगे तो इस तरीके से ग्लो करेगा। बहुत से लोग जो हैं वाइट DRL करने के बजाय येलो DRL ही ऑन कर लेते हैं। अगर आप वैसे भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि कनेक्शन आपने देने हैं। अगर आप येलो की जगह वाइट का कनेक्शन देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा इसके अंदर हाई लो फंक्शन जैसे आपकी गाड़ी के अंदर जेन्युइन होता है वैसे ही दे सकते हैं। ये जो लाइट है इसके अंदर बॉडी जो है बैक से जो एल्युमिनियम की होती है, फ्रंट से जो है वो शीशा नहीं बल्कि प्लास्टिक होता है। जितनी भी बीम आफ्टर मार्केट आती हैं, सारी लाइटें जितनी भी लाइट्स हैं वो सारी आगे से प्लास्टिक होती हैं और बैक से जो है एल्युमिनियम होती हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है, पहली मॉडल आपको मैंने अपडेट कर दिया, दूसरा मॉडल जो है एरो स्टाइल है। ये क्वालिटी में बहुत ही मज़े का है, जैसे कि आप देख रहे हैं इंडिकेटर, मैं कहता हूँ ज़बरदस्त किस्म की अग्रेसिव लुक जो है ये दे रहा है इंडिकेटर। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये इंडिकेटर लाइट है। अगर आप वाइट देना चाहें तो वाइट के ऊपर होए 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 क्या बात है, ज़बरदस्त किस्म की वाइट लाइट इसके ऊपर एरो वाली आ रही है। सेम लाइक इसकी जो बैक है वो आप देख सकते हैं। आपका ये सारी लाइटें जितनी भी गाड़ियों में या जीप में लगी होती हैं वो कड़े के साथ लगी होती हैं, तो कड़ा जेन्युइन लाइट वाला कड़ा खोलें, 4 नट उसके अंदर होते हैं, 4 नट खोलने के बाद इसके साथ फिट करें और लगा दें, कोई ऑल्टरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इसमें जो सबसे टॉप वेरियंट हमारे पास जो अवेलेबल है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है वो ये वाला मॉडल है।
जिसकी लाइट के मुतालिक मैं आपको ये अपडेट कर सकता हूँ कि लाइट इसकी बहुत अच्छी है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये इंडिकेटर के ऊपर ये ऑडी स्टाइल जो है वो मूव करेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके साथ लेफ्ट एंड राइट का मॉडल ये होता है, ये क्योंकि जितनी बीम्स बकाया हमारे पास अवेलेबल हैं, चाहे लेफ्ट पर लगा लें चाहे राइट पर लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वाला जो मॉडल है इसके साथ लेफ्ट और राइट ज़रूरी है, क्योंकि लेफ्ट एरो और राइट एरो दोनों साइडें आपकी पेयर की सूरत में आती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं वाइट जो है बड़ी अग्रेसिव लुक है, क्वालिटी बहुत मज़े की है जैसे कि आप देख रहे हैं, और लाइट की थ्रो बहुत ही अच्छी है जैसा कि आप देख रहे हैं। सेम लाइक बैक जो है वो प्लास्टिक एल्युमिनियम की है, फ्रंट जो है वो प्लास्टिक का है। इसके बाद अगले मॉडल की तरफ आ जाएं तो ये एक नया मॉडल आया है जिसको एल ब्रैकेट स्टाइल भी हम कहते हैं, एल स्टाइल भी कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इंडिकेटर, ओए होए 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 क्या बात है, ज़बरदस्त किस्म का इंडिकेटर इस तरीके से ग्लो करेगा। अगर आप इसको DRL के ऊपर भी लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, अगर आप वाइट ऑन करना चाहते हैं DRL तो वो ये वाइट आ गया। इसके अलावा अगर आप इसका हाई और लो देखें तो दोनों पॉइंट जो हैं इसके ऑन होंगे जैसे आपकी जेन्युइन गाड़ी के अंदर होते हैं। सेम लाइक इसकी बैक साइड आप देख सकते हैं एल्युमिनियम की है, फ्रंट प्लास्टिक का है और आपके सामने है जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद एक और बड़ा ही एग्रेसिव लुक वाला मॉडल जो कि आप अपनी किसी भी जीप या गाड़ी में लगा सकते हैं अवेलेबल है। इसकी लाइट थ्रो भी अच्छी है जो दूसरे मॉडल्स के रेफरेंस से अगर देखा जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं वाइट बहुत ही ज़बरदस्त है, इंजर पिंजर डिज़ाइन इसको कहा जा सकता है, जिसके अंदर ज़बरदस्त किस्म के डिज़ाइन बने हुए हैं कट्स के साथ, और इसके अलावा इंडिकेटर के ऊपर ओए क्या बात है, ज़बरदस्त किस्म का इंडिकेटर जो है वो चल रहा है। और ये भी सेम लाइक इसके अंदर हाई और लो जो है वो वेरिएंट है, इसकी लाइट थोड़ा बहुत मज़े की है। अगर आप, मैं बेसिकली अपने प्रोडक्ट को अंडर सेल करता हूँ, ओवर सेल नहीं करता, तो अंडर सेल कर रहा हूँ। तो ये लाइट के मुतालिक जो मैं पहले आपको अपडेट करता हूँ कि लाइट बहुत कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि नज़र ही नहीं आएगा, बिल्कुल नज़र आएगा। लेकिन ये कुछ मॉडल जो है जिनकी लाइट की थ्रो ज़्यादा बेहतर है वो मैं पहले आपको अपडेट कर रहा हूँ। इसके बाद LED वाला ईगल आई स्टाइल के अंदर बहुत ही खूबसूरत वेरिएंट जिसके अंदर इंडिकेटर नहीं है, जिसके अंदर सिर्फ पार्किंग आती है अवेलेबल है जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके अंदर 5x7 वाले जो है, ये जो है 5x7 जो है वो मॉडल है, वही वाली बात कि हर गाड़ी के अंदर लगाया जा सकता है, जीप पे लगाया जा सकता है, प्रोजेक्ट कार में लगाया जा सकता है, कि ऑल्ट्रेशन करके लगाया जा सकता है। प्लग एंड प्ले जिन गाड़ियों के अंदर 5x7 वाली जो बीम आती है जिसको शीशा बीम भी कहा जाता है उसके अंदर लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो अगला मॉडल हम आपको दिखा रहे हैं वो है बिग एल ब्रैकेट स्टाइल के अंदर, जो कि आपको दिखाने लगे हैं। ये लें जी, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त किस्म का मॉडल है। 5x7 जो है ये बीम है, इसके अलावा इसका इंडिकेटर ये अवेलेबल है। ये जो सारी बीम है, मैं इसके मुतालिक फिर आपको ब्रीफ कर देता हूँ थोड़ा सा, कि ये जो सारी प्रोडक्ट्स हैं ये हमारी वेबसाइट के ऊपर लगी हुई हैं। प्राइसेज अगर आप हमारी वेबसाइट पर डिस्क्रिप्शन में देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं, और ये सारे मॉडल 7 के 7 हमारे पास स्टॉक के अंदर अवेलेबल हैं। सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो वेबसाइट पर लगी हुई हैं, इन स्टॉक और आउट ऑफ स्टॉक दोनों इन्फॉर्मेशन तकरीबन 80-90% हमारी अपडेटेड रहती हैं। अगर कोई ना भी हो तो हमारी टीम आपको कंफर्मेशन कॉल के ऊपर अपडेट करती है कि स्टॉक के अंदर हमारे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं है। सो प्राइस को बार बार टैग करने की बजाय अगर आप मेरी वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने कॉन्टैक्ट करना है तो हमारे व्हाट्सएप के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी कॉल भी कर सकते हैं। मंडे टू संडे, सैटरडे हमारा जो है ये नंबर जो है वो ऑन होते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर हमारे नंबर PTCL और व्हाट्सएप नंबर दोनों मेंशन है। अगर आप कोई भी चीज़ हमसे ऑर्डर करते हैं और अगर आपने कभी भी कोई चीज़ के अंदर मसला आता है या आफ्टर सेल एंड सर्विसेज देख रहे होते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।